नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य व्यास ब्लॉग्स पर। आज मैं आया हूँ केदारनाथ, और ये केदारनाथ मंदिर बीकानेर के गंगा शहर में स्थित है, जहाँ पर केदारनाथ स्वरूप मंदिर बनाया गया है। ये देखिए पीछे यहाँ पे शिलान्यास लगा हुआ है, श्री केदारनाथ महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय। संचालक जो है इसके सेठ श्री फौजदार बाठिया पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट गंगा शहर। बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम कहीं और आए हैं। मतलब केदारनाथ, आप जो अगली जो झलक देखेंगे मंदिर की, आप सोचेंगे आकर्षित, इतना आकर्षित कैसे हो सकता है। बहुत ही शानदार मंदिर है। तो देखिए मेरे साथ केदारनाथ महादेव बीकानेर गंगा शहर, आइए। दोस्तों, अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं, और मंदिर आप जैसा पीछे मेरे देख रहे हैं बिल्कुल केदारनाथ के स्वरूप जैसा ही मंदिर है। और यहां मेरे साथ है जेठाराम जी सारण, और ये महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और इस मंदिर में काफ़ी समय से आ रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में कि ये कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या सोच रही, और प्राचीन में पहले ये कैसा था। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ से कब से आ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, हम यहाँ से 94-3 से आ रहे हैं, और इस मंदिर में पहले रामेश्वरनाथ महादेव था। करीब 100 साल पुराना मंदिर है। पहले यहाँ पे छोटा मंदिर था, बहुत छोटा था, गैदरिंग भी बहुत कम थी। अभी ये धीरे धीरे बहुत बड़ा मंदिर बना दिया कोदराजी बांटिया ट्रस्ट ने, तो उसके बाद इस मंदिर में गैदरिंग भी बढ़ गई है, और ये मंदिर बहुत बड़ा केदारनाथ महादेव मंदिर नाम हो गया इसका। पहले रामेश्वरनाथ महादेव था। तो यहाँ हम बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं इस मंदिर के अंदर। जून के महीने में केदारनाथ में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है, बहुत भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे 10,000 लोगों की संख्या में वहाँ दर्शालु जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रखी है। और हमें तो बीकानेर में, बीकानेर के जो लोग हैं उनके लिए, जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये एक स्थान हो सकता है, और केदारनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं। और उनके लिए ही इस तरीके की जो सोच उन्होंने जो बनाई है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही शानदार आप आ सकते हो। शाम के वक्त में यहाँ पर बहुत ही भीड़ होने लगी है, बारे में आगे और जानकारी लेते हैं सारण जी से। ये बीकानेर के अंदर एकमात्र ऐसा मंदिर केदारनाथ मंदिर है जो बीकानेर में पहला मंदिर, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, और कोई ऐसा मंदिर है नहीं केदारनाथ बीकानेर के अंदर। और सेम टू सेम केदारनाथ के लुक में ये मंदिर बनाया गया, वैसा का वैसा सेम डिटो कॉपी जो केदारनाथ में बना हुआ है उसी की सेम डिटो कॉपी कलाकारों ने, यहाँ के कारीगरों ने कारीगरी करके बनाया है। फौजदारी बांटिया ट्रस्ट को धन्यवाद है इसके लिए बहुत बहुत, और लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ डेली दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पे जो ये पत्थर कौन सा लगा हुआ है, जो पत्थर यहाँ पे लगा है? ये धौलपुरी पत्थर लगा हुआ है, बाहर से आया, इनके कारीगर भी सारे बाहर से आए थे, पाली वगैरह उधर से, तो राजस्थान के। ये जो धौलपुरी पत्थर है ये शायद राम मंदिर में भी अभी यही उपयोग में लिया। हाँ, राम मंदिर में भी यही उपयोग में लिया जा रहा है, वही सेम पत्थर है जो यहाँ केदारनाथ मंदिर में उपयोग में लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब हम मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे, बहुत ही भव्य मंदिर है, अंदर से आपको इसका दर्शन कराते हैं। जय श्री केदारनाथ। ये देखिए मंदिर में चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों की तस्वीर लगाई गई है, ताकि बिल्कुल केदारनाथ का ही माहौल दिखे, बिल्कुल केदारनाथ में जो नज़ारा होता है उस तरीके का ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में राम दरबार भी लगाया हुआ है, राम दरबार की जो तस्वीर है, जो मूर्तियाँ हैं वो लगा रखी हैं, श्रीनाथ जी की तस्वीर और माता जी की प्रतिमा लगा रखी, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।